2500 वर्ष ये पुराना कुआं है। सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को इसी में काट के डाला था। टूटी फूटी जइए हो कि हरदम रहिए ना। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को ब्लैक स्क्रीन से क्यों शुरू किया जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैं आज से 3 से 4 महीने पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन किसी कारण से मेरे सारे इस वीडियो के फाइल जो थे वो सारे करप्ट हो गए थे। बहुत मुश्किल से रिकवर किया हूँ, कुछ कुछ फाइल्स रिकवर हुए हैं और बहुत सारे फाइल रिकवर नहीं हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कर ही दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, और गाइस मैं अभी हूँ पटना से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर शीतला माता मंदिर, अशोक सम्राट के काल का बनाया हुआ अगम कुआं। उस कुएं का एक रहस्यमय आपको हिस्ट्री बताऊंगा, क्योंकि बहुत जानकारी लेने लायक बहुत अच्छी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। और आज इस वीडियो में मेरे साथ है राहुल, मेरा भाई। हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग उसके बारे में बताएंगे, पहले आप देख लीजिए शीतला माता का मंदिर स्टार्टिंग से लेकर आपको अंत तक बताएंगे। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके गाइस, तो ये वो कुआं है जो अशोक सम्राट के पहले का बनाया हुआ है, अशोक सम्राट शासन काल से भी पहले का ये कुआं बनाया हुआ है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, तो आपको बता दें कि शीतला माता मंदिर और अगम कुआं में आ चुके हैं। तो आज मैं इन बाबा जी से इसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो ये बाबा जी यहीं के पुजारी हैं इसी मंदिर के, और आइए जानते हैं इस पूरे यहाँ का जो रहस्यमय है उसके बारे में, कि इस कुएं में क्या ऐसा है कि पानी कभी सूखती नहीं है, और ये कब की है, और इस शीतला मंदिर का क्या रहस्य है जो सारा कुछ जानते हैं। तो बाबा जी थोड़ा मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए इसके बारे में। 2500 वर्ष ये पुराना कुआं है, सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को इसी में काट के डाला था, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा है नहीं। और ये कुआं का जल जो है वो 7 रूप में परिवर्तित करता है, मैंने खुद देखा है, ऐसा परखा है, और हर एक मौसम में इस पानी का रंग मतलब हर एक कलर का होता है। और सर्वप्रथम माना जाए तो पहले जब जिस समय कुआं था तो पहले यहाँ कुआं ही था, और उसके प्रथम फिर एक पिंडी रहा करता था। कुआं के बाद एक पिंडी था यहाँ, और अगल बगल यहाँ पर जितना है जल्ला था। तो पहले यहाँ पिंडी के मिट्टी की पिंडी जो 7 रूप में जो देखते हैं हर एक गांव में रहता है, जो शीतला माता का स्वरूप पहला जो बड़ी छोटी फुलवंती जलपा पंसा अंगार गोदैया चंडी भैरव, ये 7 रूप हर एक ग्रामीण मोहल्ला में रहता था। और ये मतलब ग्रामीण देवता मानी जाती हैं शीतला माता। तो शीतला माता यहाँ जो माता आप देख रही हैं खड़ी जो मूर्ति है, वो बगल से ही तुलसी मंडी के मोहल्ले से इनकी उड़ाई में, जैसे उड़ाई मतलब गड्ढा खोदने के समय में इनका ये मूर्ति प्राप्त हुआ था। अच्छा। तो उसी समय यहाँ पर वहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जो पुजारी हैं जो वंशावली उनका चल रहा है, और यहाँ आके स्थापित कर दिए। अच्छा। तो लोग वहाँ उसके बाद यहाँ की परंपरा बढ़ती गई, इनकी मान्यता बढ़ती गई। अच्छा। लोग इनका आस्था से जुड़ते गए, लोग काफ़ी इनका जो भी सच्चे दिल से यहाँ मानते हैं वो मन्नत पूर्ण होती है। और बोला जाता है बाबा जी कि जो कुएं का पानी है उसे बहुत सी बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। हाँ सही बात है, अगर हम कहा जाए तो ये कुआं का जल एकदम पवित्र है, और गंगा से ये मतलब ये हिला हुआ है। ये भी मैं सुना हूँ कि यहाँ पे जो पानी कभी सूखता नहीं, इसका कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी जो गंगा सागर है उससे जुड़ा हुआ है। बात सही है, ये कहीं ना कहीं से ये स्रोत है, और ये इनकी यहाँ की मान्यता है, और ये स्वयं माँ की शक्ति है। मैं इतना कहूँगा कि ये माँ की शक्ति है, कभी सूखता नहीं है। 1996 में लालू जी ने उड़ाई किया था। हाँ, और प्रथम उड़ाई किया था JH-11 ने, 1909 में पहला उड़ाई हुआ था। अच्छा। उसके बाद दूसरा उड़ाई लालू जी के रीजन में हुआ था 1996 में। मैं लालू जी के जब सरकार थे वहाँ पर उस समय मैं सुना था, उस समय में
कि यहाँ पे बहुत से अत्याधुनिक मशीन लगाकर पानी को सुखाने का बहुत कोशिश किया गया था, लेकिन पानी एक इंच भी पानी घटा नहीं था। नहीं, मतलब वो बहुत प्रयास किए कि मैं पानी को सुखा दूँ, लेकिन यह सूखा नहीं। यह 24 घंटे के अंतराल में पानी अपने आप ऊपर चलते आया। अच्छा अच्छा, सो गाइस आप देख लिए इसके बारे में, आप सुन लिए इन्होंने जो बताया, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और ये आज से नहीं, यहाँ से बहुत पहले से अशोक सम्राट के समय से इस जगह को पूजा जा रहा है, माना जा रहा है यहाँ पे। और ये कहा जाता है कि जो शीतला माता का पूजा विशेष चैत बैसाख जेठ आषाढ़ में ही होता है विशेष। अच्छा, अच्छा। और इनको विशेष मान्यता, चार माह बहुत ही विशेष माना जाता है शीतला का। अच्छा। और शीतला मतलब ठंडा होते हैं, शीत का मतलब ठंडा होता है, तला का मतलब सेका हुआ, और शीला का मतलब गुण विशेष नाली दयावान, इन्हीं को जोड़ के बनाएगा शीतला माता। और शीतला, ये शीतला दयामान भी हैं और करुणामय भी है, जो सच्चे हृदय से जो भी मांगते हैं उनका पूर्ण हो जाता है। और मानिए तो ये दुर्गा का सप्तम स्वरूप कालरात्रि भी हैं। अच्छा। जो उग्र रूप लेती हैं तो काल का रूप ले लेती हैं। तो इन जो भी अगर भक्त अगर सच्चे मन से नवरात्रा करता है, अच्छे अपने निष्ठा से, अपने श्रद्धा से, अपने निश्चल मन से करता है, तो शीतला का पूजा नवमी को करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि माँ ही शीतल शीत प्रदान करती है और सो ठंडा करती है। अच्छा अच्छा, यहाँ का ये मान्यता है। तो गाइज अगर आप लोग पटना कभी भी आते हैं, इंडिया के कोई भी कोने में अगर पटना कभी भी आते हैं, इस जगह पे जरूर आइएगा और इन बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। ये बाबा यहीं पे रहते हैं, इनसे मिल के आशीर्वाद लीजिएगा, और यहाँ का मान्यता जो भी आपका है वो आप लेकर आइएगा, यहाँ पे विश कीजिएगा, वो ज़रूर आपका पूरा होगा। ये यहाँ का मान्यता है। और माना जाता है कि अगर किसी के यहाँ पॉक्स हो जाए, ये ऐसा मतलब पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स बोलते हैं, वो मतलब किसी के घर नहीं छोड़ती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबके घर में जाते हैं। तो उस समय आगमन होता है माली का, तो उनको आगमन किया जाता है, बुलाया जाता है कि माँ को शांत करे। और मैं एक गीत गाऊंगा जो माँ के लिए बहुत ही मतलब वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, और एक मैं गीत गाऊंगा माँ का ही। जरूर जरूर। अरे सोने के महलिया ही मैया, टूटी फूटी जइए हो कि हरदम रहिए ना, तो हर पचरा के गीतिया ही मैया, हरदम रहिए ना, निमिया के डाल ही मैया, डाले ली झूलनवा हो कि झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतियाँ हो कि झूली झूली ना, सूताला बारो कि जागल हो मलिनिया, हमके बूंद एक ना। माँ गुहार लगाती है माली को कि क्या आप सूते हैं कि जागल हैं, जल्दी से हमको पानी पिलाइए। तो ये गाना तो बहुत ही लंबा है, लेकिन हाँ, इस गाना से माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और प्रसन्न मुद्रा में आती है, वो धीरे धीरे करके वो ठंडा होती है। अच्छा अच्छा, तब जाके चेचक का प्रकोप जो भी होता है, यहाँ से जो नीर देते हैं, आपने कहा कि चर्म रोग ठीक हो जाता है, तो ये जल, कुआं का जल माँ के पास रखने के, उसके बाद नीर मिलाने के बाद उस जल को अभिमंत्रित करके दिया जाता है कि ताकि उनका जो भी रोग नाश हो जाए, रोग जितना भी हो या कुछ भी हो, मतलब किसी तरह का अगर मतलब जो आदमी जिसे आँख से मतलब कुछ कम दिखाई दे तो उसका भी निदान हो जाता है। अगर सच्चे मन से अगर लें और सच्चे मन से माँ से मांग के जाए तब हो जाता है। तो गाइस ये यहाँ की मान्यता थी, बाबा जी ने हम लोगों को सब कुछ बताया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर आप लोग ज़रूर आना, इन बाबा जी से ज़रूर मिलना। तो अभी हम लोग चलते हैं, कुछ यहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं, और आप अब बाबा जी से हम लोग आशीर्वाद लेके फिर बाबा जी का ध्यान करते हैं। ठीक है बाबा जी, मिलते हैं ना अंदर के लिए। अंदर से तो अलाव नहीं है सर ना, लेने के लिए ले लीजिए। छोटे बाबा बोला। तो कोई एक परमिशन मिला, जबकि अंदर में अलाव नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो चलिए अब अंदर का भी आपको दर्शन कराते हैं। सब
गाइस, तो ये थी यहाँ की कुछ बातें जो मैंने आपको बताया, या फिर बाबा जी से जो चीज़ आपने सुना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।